गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्हाट टॉपिक वाज गोइंग ऑन? वोल्केनो इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके ओके, टोपोग्राफी। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ टोपोग्राफी डज इट फॉर्म? Landscape and topography. What is the difference between landscape and topography? All these are related to this type of plate, plate margins. Three type of plate. Constructive and conservative. All type of topography are associated with all these plates due to internally convective current, thermal convective current. इसे देखें थोड़ा, बीच ओशियन, अटलांटिक ओशियन, दिस इज मिड अटलांटिक रिज। रिज मीन्स एक उभार है ना, बीच में एक उभार है, उथला जैसा है, जहां हो क्या रहा है, what process is going on here, divergent or convergent? Divergent. North Atlantic, and ये South Atlantic. ये कौन सी रेखा है, कौन सी लाइन है? कैप्रिकॉन 0 degree है ना? 0 degree नॉर्थ से हम जानते हैं कि ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर। ग्लोब आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। ये क्या है? आइसलैंड बेसिन। ये आइसलैंड है, इसका मतलब है कि आइसलैंड कहां सिचुएटेड है, लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस चीज पे? पोल पे, रिज पे है, राइट, रिज पे, नॉर्थ पार्ट रिज पे है एकदम, है ना? इसका मतलब स्थिति क्या होगी यहां? डाइवर्जेंट होगा, मतलब यहां से ये इधर और यहां से ये इधर जाएगा, ये हो सकता है ना? और यहां न्यू प्लेट, न्यू क्या होगा, निर्माण होगा, कंजर्वेशन नहीं है, क्या है यहां पे, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्ट होगा, डाइवर्जेंट है इसलिए क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, रचनात्मक प्लेट है ये, क्योंकि ये प्लेट इधर जा रही है, प्लेट इधर जा रही है, इसका मतलब है कि यहां न्यू न्यू प्लेट का निर्माण होगा, होगा कि नहीं?
चूंकि बताए थे कि मैग्मा ये जाती है और यहां से इस तरह से इसको लेके जाएगी, तो पुराना वाला जो है क्रस्ट था कहां लेके चला जाएगा इसको, यहां पे, लेकिन यहां तो न्यू न्यू बनते रहेगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ एग्जांपल है, इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी यहां है, क्या है ये, प्यूर्टो रिको ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है, ये डीपेस्ट पॉइंट है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, जिसको गर्त कहते हैं हिंदी में, क्या होता है गर्त होता है। केप वर्डे बेसिन है, हम इसलिए नाम ये सब ले रहे हैं कि इसको मेंशन करेंगे आगे। नहीं नहीं नो, ये अटलांटिक की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। और ये कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड नीचे क्या होता है, कैप्रिकॉर्न, यही है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये एजोर्स प्लेटू है, इसका मतलब कि एजोर्स प्लेटू कहाँ है, मिड अटलांटिक ओशियन रिज पे है, और ये केप वर्डे है, ये थोड़ा सा दूर है ना, है कि नहीं, ये केप वर्डे आइसलैंड है, और ये क्या है, एजोर्स प्लेटू है, इसलिए मैं नाम ये ले रहा हूं, ये दो तीन का इसमें मेंशन करने वाले हैं, ताकि एग्जांपल से समझ में आ जाए। सबसे पहले वी विल एनालाइज थ्योरी, ठीक है, तो राइट डाउन अबाउट द थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, नाउ एक्सप्लेन वेरी वेल थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, नाउ एक्सप्लेन वेरी वेल द मैकेनिज्म ऑफ वोल्केनिक एंड वोल्केनोज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, वोल्केनिक इरप्शंस, राइट, इन फैक्ट वोल्केनिक इरप्शंस आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्लेट बाउंड्रीज, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट एंड प्लेट बाउंड्रीज आर डिटरमाइंस द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, डिटरमाइन द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, इट डिटरमाइंस द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। सपोज दैट यहां तो क्या डाइवर्जेंट था ना, तो डेफिनेटली है कि किस तरह क्या आएगा, सेलो टाइप ऑफ हो, है ना, और जहां कन्वर्जेंट होगा वहां डिप पॉइंट वाला वोल्केनो होगा लगभग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आइसलैंड जो है, इसका मतलब है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो बीच वाला आइसलैंड क्या है, एक मीडिएटर बना हुआ है बीच में, स्तंभ है, मतलब स्टेबल है ये, और यहीं से इधर से निकल के जा रही है, ठीक ना, बाकी ये तो रिज है ही है, उभार है, यहाँ के अपेक्षा, यहाँ के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा उथला है, सैलो टाइप है, ठीक ना, उठा हुआ है, उभार है ये, और यहाँ डीपेस्ट पॉइंट है, इसी कारण देखिए यहाँ सबसे डीपेस्ट पॉइंट नॉर्थ अटलांटिक का प्यूर्टो रिको ट्रेंच है,
8380 मीटर लगभग। इसके बाद फिर इधर आ जाता है, तो ये भी है, इधर भी होगा ज्यादा डीप होगा, इधर भी ज्यादा होगा, और ये बीच में क्या है, उभार है। उभार इसलिए है कि यही मैग्मा यहां से निकल रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्लेट बाउंड्री ही इसका डिफाइन करता है कि कितना डीप होगा या कितना शैलो होगा। तो डेफिनेटली है कि हमको पता है कि अटलांटिक ओशन में जब भी होगा तो अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों क्या होगा, शैलो टाइप होगा, ठीक ना। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एक्टिव फिशर, पैराग्राफ चेंज, मोस्ट ऑफ द एक्टिव फिशर्स वोल्केनोज आर फॉर्मड अलोंग द मिड ओशियनिक रिज, प्रेजेंट अ स्प्लिटिंग जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज which represent a splitting zone of divergent plate boundaries. Two plates move in other directions, in opposite directions, due to thermal convective current. Likhen. Two plate moves opposite direction from mid oceanic ridge due to thermal convective current originated in the mantle below the crust. Which are originated in the this splitting and a lateral spreading of plates, this splitting and lateral spreading of plates creates fracture and faults fault pressure release and lowering of melting point, fracture and fault which cause pressure release lowering of a melting point, pressure release and lowering of melting point and thus materials of upper mantle laying below and thus material of upper mantle laying below the mid oceanic ridge upper mantle laying below the mid oceanic ridge are melted and move upward as magma impact of under the impact of enormous volume of liquid gas this rise of magma along the mid oceanic ridge cause fissure eruptions of volcanoes lava are cooled and solidified and are added to trailing these lava solidified and are added to the trailing ends of divergent plate boundaries is constant creation of new basaltic lava or crust
and thus there is a constant creation of new basaltic crust. न्यू बेसाल्टिक क्लस का क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा ना यहाँ। ओशियनिक क्या है, बेसाल्टिक है या फिर और कुछ है, ग्रेनाइट है क्या है? ओशियनिक जो है बेसाल्टिक है ना, तो इसका मतलब है कि न्यू बेसाल्टिक यहाँ क्रस्ट बनते रहेगा, है ना। इसी प्रकार सिर्फ यहाँ नहीं बनेगा, इसके इर्द गिर्द सभी जगह बनते रहेगा और यही बन करके दूर चला जाएगा, ठीक ना। राइट डाउन पैराग्राफ चेंज। This fact has been validated on the basis of the study of basaltic floor of the Atlantic Ocean. It has been found that the island nearer to the mid-Atlantic ridge is have younger lava, whereas the island away from the ridge have older of the mid-Atlantic ridge. Nearer to the mid-Atlantic ridge have younger lava, whereas the island away from the ridge have older lava. And nearer to the mid-Atlantic ridge have younger lava. And the island away from the mid-Atlantic ridge are older lava, right? इसका मतलब ये क्या होगा? ये older होगा ना? ये younger होगा, क्यों? बन रहा है, new formation है ना? और ये क्या हो जाएगा? Older हो जाएगा, ठीक है? ये वैज्ञानिक ने साक्ष्य प्रमाणित किया, मतलब यहाँ से प्रमाणित साबित हुआ कि हकीकत में जब इसको देखा गया कि ये पुराना है या नया है, तो दिखने में लगा ये 14 मिलियन मतलब अरब वर्ष पहले की है और ये चार है मात्र, यहाँ पे चार यहाँ 14, फर्क आ रहा है ना। तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये शिफ्ट होते जा रहा है, न्यू बनते जा रहा है, पुराने वाले आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल हाँ हाँ डेफिनेट यहाँ बन रहा है, सपोज दैट यहाँ न्यू बना, ये तो नजदीक था बहुत इसलिए नया है यहाँ पे, और ये चलते चलते यहाँ पे पहुंच गया, केप वर्डे आईलैंड है अमेरिका अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, ठीक ना। अब यहाँ से ये जा रहा है तो अफ्रीका का प्लेट इधर होगा और ये अटलांटिक का इधर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट हो रहा था, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेम सिचुएशन से यहाँ डाइवर्जेंट हो रही है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। दिखाते हैं, फट गए क्या? आइसलैंड है, ठीक ना, ये यूरेशियन प्लेट हो गया और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। इसका मतलब है कि आइलैंड एक स्टेबल जगह है जहां पे, जहां से क्या हो रहा है, दोनों तरफ स्प्लिट कर रहा है, टू प्लेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, राइट, ड्यू टू थर्मल कन्वेक्टिव करेंट, है ना। थर्मल कन्वेक्टिव करेंट के कारण ये क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, या डाइवर्जेंट है, या सैल्यू टाइप का वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों आएगा। इसी चीज को समझना है हमें मुख्य रूप से, कि यूरेशियन प्लेट देखिए उधर डायरेक्शन से और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का इधर डायरेक्शन से, और बीच में ये आइसलैंड है, ठीक ना, यहाँ पे आयरलैंड हो जाएगा, ये सिचुएशन है। इसका मतलब है कि आयरलैंड दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, वो आइसलैंड से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना, दूर जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये भी प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट है, आपस में दूर जाएगी, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसा नहीं बन सकता है। कारण क्या है कि ये तो इधर जाएगा, लेकिन इधर वाला प्लेट भी तो इधर आ रहा है और ये कन्वर्ज हो रहा है, तो ये दूरी यहाँ नहीं बढ़ेगी, लेकिन आइलैंड जो प्लेट है इसी पे सिचुएटेड है, इसका मतलब है कि उसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जांपल लिख लीजिए। द लावा ऑफ एजोर्स आइलैंड, the lava of Azores, A-Z-O-R-E-S, Azores Island, ये
ये देखिए एजोर्स प्लेटू और एजोर्स आइलैंड है ना, ये वाला AZORES एजोर्स आइलैंड, द लावा ऑफ एजोर्स आइलैंड सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ मिड अटलांटिक रिज आर 4 मिलियन ईयर ओल्ड, आर वेयर एज द लावा ऑफ केप वर्डे आइलैंड लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द सैट रिज आर 120 मिलियन ईयर ओल्ड। केप वर्डे आइलैंड, इसको याद रखेंगे ध्यान में, केप वर्डे आइलैंड है। केप वर्डे आइलैंड लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द मिड अटलांटिक रिज आर 120 मिलियन ईयर ओल्ड। डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर एसोसिएटेड विथ एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शंस। व्हेन टू कन्वर्जेंट प्लेट क्लाइड अलोंग हैवियर प्लेट इज सबडक्टेड, हैवियर प्लेट मार्जिन्स इज सबडक्टेड विनीथ कंपैरेटिवली लाइटर प्लेट बाउंड्रीज। द सबडक्टेड प्लेट मार्जिन्स आफ्टर रीचिंग ए डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर और मोर इन द अपर मेंटल, द सबडक्टेड और मोर इन मेंटल और मोर इन अपर मेंटल इज मेल्टेड मैग्मा इज फॉर्म्ड एंड दस मैग्मा इज फॉर्म्ड। दिस मैग्मा इज फोर्स्ड एसेंड, दिस मैग्मा इज फोर्स्ड टू असेंड द अपर या ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्मा वॉल्यूम। This magma is forced due to ascend by the enormous volume ascend का मतलब मैं बता रहा था कि ascend का मतलब ऊपर ढकेलना होता है। आंख मून करके नहीं लिखना है ना, जैसे शब्द में बोल रहा हूं तो ascend का मतलब होता है ऊपर जाना। नहीं नहीं इस चीज को आपको And thus magma appear as violent volcanic eruption. And thus magma appears as violent volcanic eruptions on the earth surface. Magma appears as violent volcanic eruptions on the earth's surface. Such type of volcanic eruptions are very common along the destructive or convergent plate boundaries. Which represents the volcanic of circum-Pacific belt. Which represents the volcanic of circum-Pacific belt.
तो पहले हमको पता था कि सरकम पैसिफिक बेल्ट होता है, किस तरह का आएगा भूकंप वहां पे, या वोल्केनो एक्सप्लोसिव टाइप का आएगा, है ना, सेंट्रल इरप्शन होगा और फिशर इरप्शन यहां हो जाएगी। तो सेम चीजें लिखवाए हैं और कुछ नहीं है, ठीक ना। एडवांटेज और वोल्केनो का डिसएडवांटेज, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखें, टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनोसिटी। टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनोसिटी, पायरोक्लिस्टिक मटेरियल क्या होता है, व्हाट इज द पायरोक्लिस्टिक मटेरियल्स, पायरोक्लिस्टिक मटेरियल एंड फ्रेगमेंटल मटेरियल। And it will be at outer surface. Write down about first extrusive volcanic topography. From explosive type of volcanic eruptions. ये जब भी होगा तो क्या होगा, explosive type से होगा या fissure type से होगा, लेकिन इस तरह का कोन का निर्माण उसमें नहीं होगा। फर्स्ट टाइप का होगा सिंडर, एस सिंडर और एस कोन। सिंडर शंकु, इसको देखें ये क्या है, सिंडर कोन शंकु है, ये नाम है, ठीक ना। इस तरह का एक्सट्रोसिव वोल्केनो टाइप का ये क्या है, सिंडर कोन एक नाम है। पीटी मेन फेज से पूछेगा इंट्रोसिव और एक्सक्लूसिव का, ये सिंडर कोन है। इसकी हाइट जो होती है बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, इसकी हाइट क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है। अभी लिखे इसके बारे में सिंडर कोन, हाइट ज्यादा ज्यादा को 300 मीटर, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है ये, दिज आर यूजुअली ऑफ लो हाइट and are formed of, these are usually of low height and are formed of volcanic dust, ashes, and pyroclastic matter. और एसिड एंड पायरोक्लिस्टिक मैटर, सन्स ऑफ सिंडर शंकु इज इनिशिएटेड ड्यू टू एक्युमुलेशंस ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ सिंडर शंकु
S cone, the formation of cinder cone is initiated due to accumulations of finer particle around the volcanic vent. Finer particle around the volcanic vent. This is volcanic finer type. Finer mainkan. Finer particles around the volcanic vent. Around the volcanic vent. ठीक ना, finer particle है, महीन कण है ये, finer. Yes, हाँ, finer. Form of tiny mound. Tiny mound. एक छोटा माउंड की तरह एंट, बड़ा बड़ा रेगिस्तान में जब चींटी होती है ना, बड़ा बड़ा, वो भी बड़ा बड़ा इस तरह का 200-300 मीटर का ऊंचाई का एक शेप बनाता है, ठीक ना, हाँ टीला इसको कहते हैं कि टीनी माउंड इज है, टीला तरह का है ये. वी कैन से एंट माउंट. ये क्या है, टीनी माउंड एंड माउंट. यस, विच वैरीज इन हाइट फ्रॉम ए फ्यू सेंटीमीटर्स टू ए फ्यू मीटर्स. विच वैरीज इन हाइट from a few centimeter to a few meters in the beginning. The slope of cinder cones range below 30-45 degree. The slope of cinder cone ranges between 30-45 degrees. Ball of cone WLL, wall of cone likhen, is concave. The volcanic cone of Mount Jorullo, Mexico. Mount Jorullo in Mexico of Mexico Mount Jorullo of Mexico Mount Izalco of San Salvador ish. सैन सलवाडोर साउथ अमेरिका में है. शंकु कोन आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ सिंडर कोन. कोनिकल तो होगा ही, कॉनकेव होगा, ठीक ना, ये कॉनवेक्स नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहां से ये ढलान पे आएगी तो इस तरह से यहां छितरा रहेगा ना, यहां करके जमीन पे होगा कि नहीं होगा ऐसा, तो ये क्या होगा, कॉनकेव बन जाएगा, ठीक है. और इस तरह का जो इरप्शन होगा इसका ज्यादा हाइट ज्यादा नहीं होगी,
200 से 300 मीटर लगभग होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एंट माउंट, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ये ध्यान रखना है। सिलेंडर शंकु की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये कॉनकेव बना होता है। पाइरोक्लिस्टिक मटेरियल जो होता है, मैटर होता है, फाइनेस्ट पार्टिकल से बना होता है, ये सिलेंडर शंकु हो गया। नेक्स्ट में लिखेंगे इस कंपोजिट कोन, कंपोजिट कोन, राइट डाउन अबाउट द कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन्स आर द हाइएस्ट ऑफ ऑल वोल्केनिक कोन्स, कंपोजिट कोन्स आर द हाइएस्ट ऑफ ऑल वोल्केनिक कोन्स।